कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के एंट्री गेट पर कोविड 19 हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि महानगर में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है और कलेक्ट्रेट परिसर में बहुत लोग आते हैं, जिससे कि संक्रमण के फैलने का खतरा ज्यादा है, जिसको देखते हुए एंट्री गेट पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से परिसर में आने जाने वाले व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग और पल्स चेक कर नाम पता नोट किया जाएगा, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और एंट्री गेट पर और परिसर के अंदर कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। एंट्री गेट पर गाड़ियों को पार्किंग में खड़ा करवाया जा रहा है, क्योंकि परिसर में आने वाले व्यक्ति कार्यालय के सामने गाड़ी खड़ी कर देते थे, जिससे कि अधिकारियों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। अब सभी गाड़ियों को पार्किंग में ही खड़ा करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, परिसर में बैरिकेटिंग इसलिए कराई गई है कि लोग वहाँ पर जो स्टैंड है उसमें बजाय मोटरसाइकिल खड़े करने के अपने अपने कार्यालय के दरवाजे पे खड़ी कर लेते हैं। तो जावागरों के लिए जो उच्च अधिकारी आते हैं उनको दिक्कत होती है, उनके व्हीकल्स वेट करते हैं और लोग अपना ताला लगा के चले जाते हैं। तो इसलिए प्रिकॉशनर के तौर पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और उनको सबको निर्देश दिया गया है कि पार्किंग में ही वाहन खड़ा करें, ताकि कलेक्ट्रेट में आने वाले किसी भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो और सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। लोग दूर दूर चढ़ के अपने अपने काम से कार्यालय में जाके काम के होने के बाद तुरंत वापस लौट जाएं, अनावश्यक खड़े ना हो। सर, हेल्प डेस्क भी बनाई गई है ताकि लोगों को सैनिटाइज किया जाए, उनका कैम जो इनका स्कैनर है थर्मल स्कैनर से उनका टेम्परेचर भी लिया जाए, पल्स मीटर ऑक्सीपल्स मीटर भी व्यवस्था की गई है कि उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम ना हो। तो ये सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि हर आदमी को चेक होके जो सुरक्षित है वही दूसरे लोगों के पास अपने काम के लिए जा पाए।